नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए एक नया न्यूरोट्रांसमीटर, एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, जिसका नाम है ग्लूटामेट, इसके बारे में आपको इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि कैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर ओसीडी के सिम्टम्स को लाने में और उसे बनाए रखने में एक भूमिका निभाता है। आमतौर पर जो ओसीडी के बारे में दो न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात की जाती है वो होते हैं सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, या एक तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, उसके बारे में भी चर्चा काफ़ी सुनी होगी आपने, उसके बारे में भी कई सारे डॉक्टर्स बताते हैं। पर ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, जबकि इसकी बहुत बड़ी भूमिका है ओसीडी के इलाज में। तो इस बारे में इस वीडियो में आगे आपको कुछ बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं और थोड़ा सा पहले समझते हैं ओसीडी को, और फिर उसके बाद ओसीडी के मामले में दिमाग में ऐसे कौन से हिस्से जिम्मेदार हैं जहां पर ग्लूटामेट की भूमिका होती है, इस बारे में आपको बताऊंगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक हेट्रोजीनियस साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, मतलब इसके कई सारे कारण होते हैं और कई सारे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर ओसीडी पेशेंट को एक ही तरह का सिम्टम आएगा। जितने लोग उतने सिम्टम्स और अलग अलग थीम्स में ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये बटे होते हैं। पूरे विश्व भर में करीब 1 से लेकर 4% पॉपुलेशन को ओसीडी होता है। उनमें से कई लोगों को तो डायग्नोसिस नहीं मिल पाता क्योंकि वो शायद बहुत माइल्ड लेवल पर होता है और कई मामलों में लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं। पर मोटे तौर पे अलग अलग देशों के जो भी शोध हुए हैं बताते हैं कि 1 से 4%, या मोटे तौर पे कहें तो 3-3.5% तक लोगों में ओसीडी पाया जाता है। इन सभी पेशेंट्स में से करीब आधे लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी ना कभी दवा मिली होती है, जिन्होंने कभी ना कभी दवा से इलाज लिया होता है, जिसमें से मेनली जो होते हैं वो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, जिन्हें SSRI कहते हैं। दूसरे होते हैं SNRI, जो कि सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं। पर क्योंकि ये सारे पेशेंट्स जिन्हें ये इलाज मिलता है ये ठीक नहीं हो पाते, तो वैज्ञानिकों का ऐसा देखना है कि कहीं ना कहीं या तो हम ओसीडी को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, या कोई और ऐसे केमिकल्स हैं जिनको अभी तक हम पकड़ नहीं पाए हैं, जिनको अगर टारगेट किया जाए और दिमाग के वो हिस्से जान लिए जाएँ जहाँ पर ये केमिकल्स मौजूद होते हैं या ये ब्रेन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, तो शायद हम बेहतर दवाइयाँ भी बना पाएँ और बेहतर तरह से ओसीडी का इलाज कर पाएँ। तो पिछले कई सालों से नए नए केमिकल्स खोजने पर विचार हो रहा है, रिसर्चेस होती हैं कि कैसे इन इलाजों को इम्प्रूव किया जाए ताकि इस गंभीर बीमारी से लोगों को बचाया जा सके। पिछले कुछ सालों में, करीब 1 से 2 दशक में, काफ़ी सारा ऐसा एविडेंस आया है जो बताता है कि ओसीडी ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की वजह से होता है, या हो सकता है कि ग्लूटामेट का इम्बैलेंस काफ़ी बड़ा एक रोल निभाता है ओसीडी की पैथोलॉजी में, या जिसे कहते हैं साइकोपैथोलॉजी, मतलब उसके सिम्टम्स में। ओसीडी में काफ़ी सारे रिकरेंट इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं, वरीज, चिंताएं होती हैं, फीलिंग्स, या ऐसी कुछ थॉट्स या ऐसे कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, और इसी के साथ पेशेंट में बहुत सारे रिपीटेटिव रिचुअलिस्टिक मेंटल एक्ट्स या बिहेवियर्स भी देखे जाते हैं जिन्हें कंपल्शंस कहते हैं। तो अनवांटेड थॉट्स, फीलिंग्स या वरीज का आना ऑब्सेशंस कहा जाता है, और काफ़ी रिपीटेटिव स्ट्रक्चर से रिचुअलिस्टिक एक्ट्स और बिहेवियर्स जो होते हैं वो कंपल्शंस कहे जाते हैं। ज़्यादातर जो ओसीडी पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, जो कि इस वजह से होती है क्योंकि वो अपने ऑब्सेशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते या उन्हें रोक नहीं पाते, और ऑब्सेशंस के रिस्पॉन्स में वो कंपल्शंस करते हैं जिसे भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते। दोनों के दोनों, ऑब्सेशंस और कंपल्शंस, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बहुत समय ख़राब होता है इनमें, जिसकी वजह से एक पर्सन की सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ में काफ़ी बड़ा एक इम्पेयरमेंट आता है, मतलब एक डिसफंक्शन आता है, पर्सन अपनी डे टू डे लाइफ में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। फिलहाल जो ओसीडी का ट्रीटमेंट है उसमें एक तो दवाइयाँ दी जाती हैं और साथ ही CBT की जाती है। CBT मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कई मामलों में तो सिर्फ दवा दी जाती है, कई मामलों में सिर्फ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, तो बहुत से मामले हैं जिनमें दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। और जैसा कि बताया कि जो दवाएं होती हैं वो SSRI दवाइयां होती हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स बोलते हैं, जैसे कि फ्लुऑक्सिटीन, पेरोक्सिटीन, क्लोमिप्रामीन, कुछ ऐसी दवाइयाँ। पर आधे से भी कम पेशेंट होते हैं जिनमें सिम्टम की सीवियरिटी कम हो पाती है,
या ये कहें कि थोड़ा बहुत असर तो करीब करीब सभी पेशेंट्स पर आ जाता है, पर एक मेजर इम्प्रूवमेंट बहुत सारे पेशेंट्स में नहीं आ पाती इन दवाओं की वजह से। इनफैक्ट थेरेपी और दवाओं का कॉम्बिनेशन भी लिया जाए तब भी कई बार बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट कुछ पेशेंट्स में नहीं आ पाती। इस वजह से ज़रूरी है कि हम कुछ नए थेरेप्यूटिक ऑप्शंस की तरफ देखें ताकि इस बीमारी से बचाव हो सके। अब हम समझेंगे कि OCD में, दिमाग में कौन से ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर आने वाले कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से या कोई भी दूसरे न्यूरोनल चेंजेस हो सकते हैं, मतलब ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स, उनमें कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जिनकी वजह से OCD के सिम्टम्स आते हैं। इसे कहा जाता है कॉर्टिकोस्ट्रायटोथैलेमोकॉर्टिकल लूप। सुनने में कॉम्प्लेक्स लगेगा पर आगे बताऊंगा तो आसान हो जाएगा समझना। CSTC शॉर्ट में ऐसे बोला जाता है। ये एक ऐसा लूप है, एक चक्र की तरह एक ऐसा न्यूरॉन्स का कनेक्शन है, एक नेटवर्क है जिसके अंदर आने वाले कुछ डिफेक्ट्स या मॉडिफिकेशंस की वजह से OCD होता है। न्यूरो इमेजिंग स्टडीज़ की मदद से काफ़ी सालों से काफ़ी सारी स्टडीज़ जो हुई हैं उनमें देखा गया है कि OCD में ये जो CSTC लूप होता है इसके अंदर डिसफंक्शन पाया जाता है। अगर हम इसको सिंपल तरीके से समझें, शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, तो CSTC लूप जो है इसके अंदर एक तो कॉर्टिकल न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें ग्लूटामेटर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब ये ऐसे न्यूरॉन्स हैं जहां पर मेनली ग्लूटामेट के एक्टिविटीज ज्यादा देखी जाती हैं, मतलब ये जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है ये मोटे तौर पर इस एरिया में फंक्शंस को कंट्रोल करता है। फिर यहां से न्यूरॉन्स निकलकर जाते हैं स्ट्राइटल सब न्यूक्लियाई में, ये जो बेसल गैंग्लिया का पार्ट है स्ट्राइटम, इसके अंदर ये न्यूरॉन्स जाते हैं ऊपरी कॉर्टेक्स के एरियाज से। फिर वहां पर स्ट्राइटम में गाबाअर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो फर्दर बेसल गैंग्लिया में जाते हैं। गाबाअर्जिक मतलब जहां पर गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो डोमिनेट करता है यहां पर फंक्शनिंग को। गाबा का मतलब है गामा एमिनोबुटेरिक एसिड। फिर ये न्यूरॉन्स जो हैं ये स्ट्राइटम से बेसल गैंग्लिया तक जाते हैं और थैलेमस तक जाते हैं, और ये कई सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रास्ते पकड़ते हैं इन दो एरियाज में पहुंचने के लिए। तो ये कोई सीधा सा रास्ता नहीं होता, बड़े सारे न्यूरॉन्स मिलकर एक पर्टिकुलर एरिया तक अप्रोच करते हैं ब्रेन में। फिर यहां पर थैलेमस जो है वे फिर से कुछ ऐसे न्यूरॉन्स भेजता है जो कि कॉर्टिकल एरियाज तक फिर से वापस प्रोजेक्ट करते हैं या वहां तक जाते हैं। तो इस तरह से पूरा लूप बना रहता है। एक नॉर्मल पर्सन में या एक नॉर्मली अगर हम देखें जब ये CSTC लूप फंक्शन करता है तो ये हमारे जो हैबिट्स होते हैं और जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। नॉर्मल जो डेली हमारी हैबिट्स होती हैं, हम कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, कोई भी हमारा टास्क होता है टारगेट होता है उसको अचीव करना है, तो ये जो CSTC लूप है ये नॉर्मली फंक्शन करना चाहिए तभी हम ये गोल्स पूरे कर पाते हैं या हैबिट्स फॉर्म कर पाते हैं। पर न्यूरो इमेजिंग स्टडीज बताती हैं कि OCD के पेशेंट्स में हेल्दी कंट्रोल्स के मुकाबले, मतलब हेल्दी लोगों के मुकाबले जिन्हें OCD या कोई भी दूसरी मानसिक बीमारी नहीं थी, ऐसे में एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और थैलेमस में काफ़ी सारा चेंज मिलता है। यहाँ पर जो सेल्स हैं उनके वॉल्यूम में काफ़ी बड़ी एक कमी दिखाई देती है। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, एक ऐसा कॉर्टिकल एरिया जो कि OCD की सिम्टम्स में, उसकी कॉजेज में काफ़ी बड़ा उसका रोल देखा गया है। और ऐसा भी देखा गया न्यूरो इमेजिंग स्टडीज में कि जब इन लोगों को जिन्हें OCD है जब SSRI दवाइयों से ट्रीटमेंट दिया जाता है तो इन्हीं एरियाज में ACC मतलब एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और थैलेमस में न्यूरॉन्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, मतलब वहां पर दोबारा से सेल्स पैदा हो जाते हैं, वहां पर अच्छे कनेक्शंस बन जाते हैं, वहां फिर से नॉर्मली न्यूरोट्रांसमीटर्स का फ्लो हो जाता है और ये जो लूप है ये नॉर्मली फंक्शन करने लगता है, जिसमें कि हम कहेंगे कि इलाज जो है वो सक्सेसफुली सिम्टम्स को दूर कर पाता है। तो वैज्ञानिकों का देखना है कि एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में होने वाली हाइपर एक्टिविटी, इसी के साथ ऑर्बिटो फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स और कॉर्डेट न्यूक्लियस में होने वाली हाइपर एक्टिविटी, और साथ ही मीडियल फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स और स्ट्राइटल रीजन्स में फंक्शनल कनेक्टिविटी में आने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से OCD होता है। ये कुछ ऐसे 4-5 बहुत ही कॉमनली आइडेंटिफाई किए जाने वाले एरियाज हैं। कई सारे शोधों में इन्हीं एरियाज को बार बार देखा गया है कि बड़े सारे अलग अलग OCD पेशेंट्स पर जब रिसर्च हुई तो पाया गया कि यही मोटे तौर पे एरियाज हैं जो कि ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी दिखाते हैं, या तो यहाँ पर सेल्स में होने वाली एक्टिविटी कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई ना कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी दिखाते हैं। अलग अलग एरियाज में अलग अलग न्यूरॉन्स में केमिकल के लेवल ज़्यादा या कम हो सकते हैं, तो इस तरह से पेशेंट्स में भी सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। अब बात करेंगे ग्लूटामेट सिस्टम की।
कि ओसीडी के अंदर उसके सिम्टम्स को लाने में ग्लूटामेट का जो पूरा सिस्टम है, ग्लूटामेटर्जिक सिस्टम कह सकते हैं, उसमें डिसफंक्शंस किस तरह से ओसीडी के सिम्टम्स लाते हैं। जैसा कि बताया कि कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल देखा गया है ओसीडी की एटियोलॉजी में, मतलब उसके कॉजेज में, मतलब उसको कॉज करने में काफ़ी सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिस्पॉन्सिबल देखे गए हैं, सिर्फ सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन नहीं होते। करीब 4-5 दशक पहले जब ओसीडी पेशेंट्स को एसएसआरआई दवाइयों से ट्रीट किया जाता था, जहां पर मेनली सेरोटोनिन का सिस्टम ही टारगेट किया जाता था, तो ऐसा देखा जाता था कि काफ़ी सारे पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट आ जाती थी। तो इसी बेसिस पर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि ये जो सेरोटोनिन सिस्टम है, मतलब ये जो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है, ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है ओसीडी के लिए। पर क्योंकि ओसीडी में कई अलग अलग टाइप के सिम्टम्स होते हैं, कई अलग अलग थीम्स होती हैं, इनफैक्ट 2 अलग अलग टाइप के ओसीडीज, एक में प्रिडोमिनेंटली ऑब्सेशनल और एक प्रिडोमिनेंटली कंपल्सिव टाइप होता है, तो क्योंकि ये अलग अलग तरह से एग्जिस्ट करता है ओसीडी, इसलिए अलग अलग हाइपोथेसिस, मतलब अलग अलग आइडियाज़ और थ्योरीज दिए गए हैं कि किस वजह से ये ओसीडी के जो टाइप होते हैं, थीम्स होते हैं, ये कॉज होते हैं, और ब्रेन के क्या अलग अलग हिस्से इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों ने बहुत सी सिग्निफिकेंट चीज़ें देखी हैं ब्रेन में। जैसे कई सारी स्टडीज़ में पाया गया है कि जिन लोगों को एसएसआरआई दवाइयों से सिम्टम्स में रिलीफ नहीं मिलता, उनको अगर एंटीसाइकोटिक दवाइयां भी दी जाएं जो कि डोपामिन के D2 रिसेप्टर्स को टारगेट करती हैं, तो उनमें सिम्टम्स में काफ़ी कमी आ जाती है। मतलब एंटीसाइकोटिक दवाइयां जो कि स्किजोफ्रेनिया के, डिल्यूजन्स के पेशेंट्स में दी जाती हैं, वो दवाइयां भी कहीं ना कहीं ओसीडी में काम करती हैं। तो ऐसे में वैज्ञानिकों का देखना है कि कई सारे ओसीडी पेशेंट्स में जो डोपामाइनर्जिक सिस्टम है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी भी भूमिका होती है, क्योंकि जो न्यूरो इमेजिंग स्टडीज़ हैं वो बताती हैं कि डोपामिन का जो ट्रांसपोर्टर केमिकल है और उसके जो D2 रिसेप्टर्स हैं वो कम हो जाते हैं, उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है बेसल गैंग्लिया में, जिसकी वजह से ओसीडी के सिम्टम्स आते हैं। ये दोनों के दोनों जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सेरोटोनिन और डोपामिन, ये मोनोएमीन्स होते हैं, एक ही टाइप के कैटेगरी के केमिकल्स होते हैं, और एनिमल्स में भी, जानवरों में भी जो स्टडीज़ हुई हैं उनमें भी इनकी भूमिका देखी गई है ओसीडी में। साथ ही जेनेटिक स्टडीज़ में भी देखा गया है कि सेरोटोनिन और डोपामिन के जो एरियाज होते हैं, उनके रिसेप्टर्स या ट्रांसपोर्टर केमिकल्स के जो जीन्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं ओसीडी के पेशेंट्स में डिफेक्टिव पाए जाते हैं। तो अगर वो जो जीन डिफेक्टिव होगा तो डोपामिन या सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स पूरी तरह से बनेंगे नहीं, जिस वजह से ब्रेन के अंदर, चाहे बेसल गैंग्लिया हो या कोई भी एरिया हो, उसके अंदर न्यूरॉन्स का कनेक्शन वीक हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा, जिस वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रॉपर तरह से मैसेजेस को नहीं ले जा पाएंगे, और ऐसे में जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, ये न्यूरॉन्स ठीक से काम क्योंकि नहीं कर पाते, इसलिए एक पेशेंट में ओसीडी के ऑब्सेशंस या कंपल्शंस डेवलप हो जाते हैं। अब पिछले 10-15 साल में, या मोटे तौर पे कहें तो करीब 20 साल में, बहुत सारा ऐसा एविडेंस गैदर हुआ है जिसमें कि ग्लूटामेटर्जिक हाइपोथेसिस को, मतलब ग्लूटामेटर्जिक सिस्टम के रोल को ओसीडी में देखा गया है। जैसे एक दवा है, केमिकल है मेमेंटाइन, और इसी के साथ कीटामाइन और रेपेस्टिनल, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं या कहें कि ये दवाइयां हैं जो कि ग्लूटामेट के NMDA रिसेप्टर्स पर टारगेट करते हैं, और इस वजह से ओसीडी के ट्रीटमेंट में इनका बेनिफिशियल इफेक्ट देखा गया है। 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जिस पर ग्लूटामेट जो है वो जाके अट्रैक्ट होता है या उनके साथ बाइंड होकर वो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। एक होते हैं NMDA रिसेप्टर्स और एक होते हैं AMPA रिसेप्टर्स। तो ये जो मैंने 3 दवाइयां बताई, ये NMDA रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड करा देती हैं ग्लूटामेट को। इसी के साथ एक ड्रग होता है रिलुजोल, ये ओसीडी के सिम्टम्स को कम करने में काफी हेल्प करता है, और ये ग्लूटामेट के जो लेवल्स हैं उनको कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि कई सारे स्टडीज बताते हैं कि ओसीडी पेशेंट्स में ग्लूटामेट जरूरत से ज्यादा पैदा हो रहा होता है कुछ ब्रेन एरियाज में, तो इस वजह से ग्लूटामेट के लेवल्स को कम करना ज़रूरी है, और रिलुजोल ग्लूटामेट के लेवल्स को कम करती है। और उन लोगों में जिनमें SSRI दवाई दी जा रही थी, उनके मुकाबले जब SSRI दवाई के साथ जब ये ग्लूटामेट रिसेप्टर वाली दवाई दी गई रिलुजोल, तो 50% से भी ज़्यादा पेशेंट्स में असर देखने में आया, जबकि जो SSRI की जो दवा जब दी जाती है तो हार्डली 20-30 या मोटे तौर पे 40% पेशेंट्स में ही इसमें असर देखने में आता है। तो जब SSRI के साथ जब ये दवा दी जाती है, और मोटे तौर पर जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं या जो रिसर्चेस की गई हैं वो ऐसे ही की गई हैं, ऐसा नहीं है कि जो ग्लूटामेट की जो दवाइयाँ दी गई हैं वो सिर्फ अकेले दी गई हों,
ज़्यादातर ये उन पेशेंट्स को दी गई हैं जिन पर SSRI दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। तो जब ये लोग कई महीनों सालों के बाद भी SSRI दवाइयों पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाते तो एक एडजंक्ट ट्रीटमेंट के तौर पर ये जो ग्लूटामेट वाली जो दवाइयाँ हैं ये उन लोगों को दी जाती हैं। और देखा जाता है कि सिर्फ अगर SSRI या SNRI वाली दवाइयाँ दी जाएँ तो उनके मुकाबले जब ये ग्लूटामेट को टारगेट करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं तो ज़्यादा पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट देखी जाती है। इसी के साथ एक और केमिकल है जिसे कहा जाता है N-acetylcysteine। ये भी जब एडजंक्टिव तौर पे दी जाती है SSRI दवाइयों के साथ तो ये भी OCD के सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करती है। जैसा कि पहले बताया कि एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में ग्लूटामेट के लेवल्स जो हैं वो इम्बैलेंस्ड रहते हैं। इनफैक्ट जो ज़्यादातर स्टडीज़ हैं वो यही बताती हैं कि ग्लूटामेट के लेवल्स जो हैं वो बड़े रहते हैं पेशेंट्स के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स के एरियाज़ में, जिसकी वजह से लोगों में कंपल्सिव बिहेवियर देखे जाते हैं। पर वहीं कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि जो बच्चे हैं या जो एडोलेसेंट्स हैं उनमें ग्लूटामेट जो है वो इन्हीं ब्रेन एरियाज़ में डिक्रीज होता है, कम पाया जाता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि बच्चों में और बड़ों में, एडल्ट्स में काफ़ी फ़र्क होता है उनके ब्रेन के ग्लूटामेट लेवल्स में। इस एक ही बीमारी में दिमाग के एक ही हिस्से में अलग अलग लेवल्स पाए जाते हैं ग्लूटामेट के। जैसे कि एक एरिया होता है ब्रेन में कॉर्डेट न्यूक्लियस, एडल्ट्स में इस एरिया में ग्लूटामेट ज़्यादा मिलता है तो बच्चों में भी इस एरिया में ग्लूटामेट जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। और पेरोक्सेटीन से जब इलाज किया जाता है एडल्ट्स का या बच्चों का तो ये दवा जो है ये हेल्पफुल होती है कॉर्डेट न्यूक्लियस में ग्लूटामेट के लेवल्स को कम करने में। तो ब्रेन के अलग अलग एरियाज रिस्पॉन्सिबल होते हैं OCD के लिए। बच्चों में और बड़ों में मोटे तौर पर एरियाज तो एक ही होते हैं पर ग्लूटामेट के लेवल्स बच्चों में या तो बड़े हो सकते हैं या कम हो सकते हैं, जबकि एडल्ट्स में वो लेवल जो होते हैं ग्लूटामेट के अक्सर ज़्यादा ही पाए जाते हैं। तो इसलिए दवाओं का जो टारगेट होता है वो यही होता है कि ग्लूटामेट के लेवल्स को कम किया जाए। तो ये रही कुछ ब्रीफ जानकारी OCD और ग्लूटामेट के बारे में कि कैसे ग्लूटामेट जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसकी वजह से OCD के सिम्टम्स आते भी हैं, बने भी रहते हैं, और कैसे ग्लूटामेट के लेवल्स को चेंज करने से अगर अच्छी दवाइयाँ बने तो उनकी मदद से OCD के सिम्टम्स को कम किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर ग्लूटामेट को टारगेट करने वाले केमिकल्स दवाइयाँ अगर दी जाएं और एडजंक्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे दी जाएं, मतलब कि SSRI दवाइयों के इफ़ेक्ट को बेटर करने के लिए, उनके इफ़ेक्ट में और चार चांद लगाने के लिए अगर एक एक्स्ट्रा दवा दी जाए जो कि अलग तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर्स को टारगेट करती है, तो ऐसे में OCD के सिम्टम्स को ज़्यादा अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, ज़्यादातर पेशेंट्स को हेल्प पहुंचाई जा सकती है। तो आज के टाइम पर जैसे एंटीसाइकोटिक दवाइयों को SSRI या SNRI के साथ दिया जाता है, वैसे ही अगर और बेटर तरीके से ग्लूटामेट की दवाइयों को स्टडी कर लिया जाए, और ये बहुत ही शुरुआती स्टेजेस पर हैं ये स्टडीज़, तो हो सकता है कि एंटीसाइकोटिक दवाइयों से भी ज़्यादा हेल्पफुल ग्लूटामेट की दवाइयाँ साबित हों। तो ये जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने दी, आपको थोड़ा कुछ बेटर और कुछ नई जानकारी दे पाऊँ ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए कि OCD के मामले में कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कैसे वो सिम्टम्स को कॉज करते हैं, कैसे उनको दूर किया जाता है, कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हो सकती हैं। ये जो मैंने आपको ऊपर दवाइयाँ बताई जैसे कि कीटामाइन दवा हो गई या मेमेंटीन दवा हो गई, ये दवाइयाँ काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं कुछ दूसरे डिसऑर्डर्स में, जैसे कि कीटामाइन जो है वो डिप्रेशन में, खासकर की जो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा SSRI या SNRI दवाइयों से या ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से डिप्रेशन के सिम्टम्स कम नहीं होते, उनमें जब कीटामाइन दवा दी जाती है तो पेशेंट्स में बहुत तेज़ी से, बहुत रैपिड और बहुत बड़ा असर देखने में आता है, रिडक्शन होता है उनके डिप्रेसिव सिम्टम्स में। उसी तरीके से मेमेंटाइन दवा जो है ये अल्जाइमर्स के पेशेंट को दी जाती है, अल्जाइमर्स के पेशेंट में अटेंशन और मेमोरी को बढ़ाने का काम करती है। तो OCD के पेशेंट्स में भी ना ही ये सिर्फ पेशेंट्स के प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स में उनके अटेंशन कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, साथ ही उनके जो ऑब्सेशंस कंपल्शंस हैं उनको भी कम करने का काम करती है। तो ऐसे बड़े अच्छे अच्छे इफेक्ट्स देखे जाते हैं काफ़ी दूसरी दवाइयों के, और अगर इनको SSRI दवाइयों के साथ दिया जाए तो पेशेंट्स की कंडीशन को ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। हालांकि कुछ डॉक्टर ऐसा करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स की दवाइयाँ देते हैं,
कई डॉक्टर्स हैं वो एंटी साइकोटिक दवाइयाँ मतलब डोपामिन को टारगेट करने वाली या SSRI दवाइयाँ जो कि सेरोटोनिन या नॉरएपिनेफ्रिन को जो टारगेट करती हैं वो देते हैं, एक साथ दो तीन अलग अलग न्यूरो ट्रांसमीटर्स को टारगेट करने वाली दवाइयाँ देते हैं। पर ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन नहीं है क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट स्टडीज़ हुई हैं OCD को लेकर वो एक दवा के असर पर या ज़्यादा से ज़्यादा एक SSRI के साथ एक एंटी साइकोटिक दवा के असर को ही देखने के लिए की गई हैं। ज़्यादा अलग अलग केमिकल्स और न्यूरो ट्रांसमीटर्स को अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में स्टडी नहीं किया गया है, इसीलिए ज्यादातर डॉक्टर्स जो है वो एक ही टाइप का ट्रीटमेंट देते हैं। कितना भी आप डॉक्टर बदल लें आप पाएंगे कि एक ही टाइप की दवाइयां जो है वो सारे डॉक्टर्स दे रहे हैं, कुछ नया ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन कुछ नया दवाओं का कॉम्बिनेशन नहीं देते डॉक्टर्स। और यही वजह है कि लोगों को कई सालों तक एक ही टाइप की दवाइयां देते रहते हैं, पेशेंट्स के सिम्टम्स में कभी तो रिलीफ आ जाता है पर कई बार कोई खासा रिलीफ नहीं आता या एक लिमिट के बाद उनके अंदर कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट देखी नहीं जाती, क्योंकि दिमाग के एक ही न्यूरो ट्रांसमीटर को बार बार टारगेट किया जाएगा तो नेचुरली वहाँ पर और कोई बड़ा असर देखने में आएगा ही नहीं। एक केमिकल को दिमाग में कितना बढ़ा लेगा कोई दवा, कितना उसको ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेगा? ऐसा तो है नहीं कि अगर जो लोग जिनको OCD नहीं है अगर वो ये दवाइयाँ लें तो उनके तो दिमाग में बहुत ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए ये लेवल्स सेरोटोनिन के, पर ऐसा नहीं होता। सिर्फ उन लोगों पर ही ये दवाइयां असर करती हैं जिनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जहां ये केमिकल्स की डेफिशिएंसी होती है, जहां इनमें लेवल्स में इंबैलेंस होता है। तो इसलिए ये दवाइयां हर टाइप के पेशेंट पर काम कर जाएं या हर टाइप के दिमाग के केमिकल पर असर ला दें, ऐसा नहीं होता। बहुत ही सेलेक्टिवली ये दवाइयां काम करती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सेलेक्टिव रिअपटेक इनहिबिटर्स। सेलेक्टिव मतलब बहुत नपे तुले तरीके से बहुत सेलेक्टिव केमिकल्स या रिसेप्टर्स पर जाकर ये असर डालेंगी। इसलिए दवाइयाँ बहुत लिमिटेड इफेक्ट लाती हैं, बहुत लिमिटेड दायरे में ये काम करती हैं, इसलिए पूरी तरह से केवल कुछ ही दवाइयों पर रिलाई किया जाए उन्हीं पर निर्भर हुआ जाए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज पर वर्क करना चाहिए। हाँ ये ज़रूर है कि अभी ये ग्लूटामेट वाली दवाइयाँ जो हैं ये ज़्यादातर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते और शायद आगे आने वाले टाइम में भी बहुत जल्दी देखने में नहीं आएगा कि डॉक्टर्स ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करें, क्योंकि जब तक FDA से अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक कोई भी ग्लूटामेट वाली दवा नहीं दी जाएगी। कोई कोई डॉक्टर हो सकते हैं कि अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लोगों को कुछ ये कॉम्बिनेशंस दे दें ग्लूटामेट के, पर ज़्यादातर डॉक्टर्स ये नहीं करते। इनफैक्ट ना के बराबर डॉक्टर्स मेरे एक्सपीरियंस में देखने में आए हैं जिन्होंने ग्लूटामेट वाली दवा जो है पेशेंट्स को दी है। एंटीसाइकोटिक बहुत नॉर्मली पेशेंट्स को मिलती है, या जो बेंजोडाइजेपिन दवाइयाँ होती हैं एंग्जाइटी कम करने की वो भी दी जाती हैं, या कई मामलों में एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ दी जाती हैं क्योंकि बहुत एंग्जाइटी होगी तो उसे कम करने के लिए भी एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ दी जाएंगी। तो यही कॉम्बिनेशंस मोस्टली डॉक्टर्स देते हैं। पर ये जो ग्लूटामेट वाली दवाइयाँ हैं इस पर अभी रिसर्च चल रहा है और कुछ सालों तक इस पर कोई बड़ा फर्क देखने में नहीं आएगा, इसलिए या तो कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स की मदद से या कुछ दूसरे एक्सरसाइजेज या एक्टिविटीज़ की मदद से ग्लूटामेट के लेवल बढ़ाए जाएं, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन दिमाग में ग्लूटामेट के लेवल्स को बैलेंस करने का काम करती हैं। जिस एरिया में ये ज़्यादा है उसमें ग्लूटामेट कम करती हैं और जिस एरिया में ग्लूटामेट कम है उसमें बढ़ाने का काम करती हैं ताकि ब्रेन हेल्दी फंक्शन कर पाए। साथ ही फिजिकल एक्सरसाइज जो है ये बहुत हेल्पफुल होती है ग्लूटामेट के लेवल्स को बैलेंस करने में। तो ऐसे कुछ नेचुरल तरीके हैं जिससे कि इन अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स को टारगेट किया जा सकता है, इसलिए पूरी तरह से दवाओं पर रिलाय करके नहीं रहा जा सकता। तो ऐसे में लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की अगर टेक्निक्स को यूज़ करें तो वो अपने बड़े अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स को टारगेट कर सकते हैं। इस बारे में आगे किसी वीडियो में और जानकारी दूंगा या मैं दे चुका हूंगा, आप चेक कर सकते हैं चैनल पे। इस वीडियो में जो दी गई जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर लेना और लोगों से जिनके लिए ये जानकारी यूज़फुल हो सकती है। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।